गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक 1 चैप्टर नंबर 6 द्वितीय क्रियाएं और चैप्टर नंबर 7 तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, इन चैप्टर्स के हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस क्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यवान बनाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए तृतीयक, बी चतुर्थ, सी द्वितीयक, डी प्राथमिक। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप तो सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, और प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द्वितीयक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विनिर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस हैं ए शक्ति के संसाधन, बी यंत्रीकरण, सी कौशल का विशिष्टीकरण, डी आदिमकालीन औजार। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, विनिर्माण के लिए हमें शक्ति संसाधन की आवश्यकता होती है, यंत्रीकरण की भी और कौशल के विशिष्टीकरण की भी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, आदिमकालीन औजार, क्योंकि आदिमकालीन औजारों की विनिर्माण में आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सरकारी नीति, बी कच्चे माल की प्राप्ति, सी श्रम आपूर्ति और डी आर्थिक विकास। तो इन सभी में से उद्योगों की स्थापना के लिए जो आवश्यक कारक हैं वो हैं सरकारी नीति, कच्चे माल की सुविधा या कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, आर्थिक विकास, क्योंकि उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक विकास की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से निर्माण उद्योग के उदाहरण हैं? ऑप्शंस ए यह सभी, बी लौह इस्पात, सी पेट्रो रसायन, डी वस्त्र। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, लौह इस्पात, पेट्रो रसायन, वस्त्र, ये सभी जो हैं ये निर्माण उद्योग के उदाहरण हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ये सभी, यानी ये सभी जो हैं, तीनों ऑप्शंस जो आपको दी हैं बी सी और डी, ये तीनों ही निर्माण उद्योग के उदाहरण हैं, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस ए परिवार के सभी सदस्य इसमें संलग्न, बी विशिष्ट मशीनों का प्रयोग, सी स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग, डी कुशल श्रमिक। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी विशिष्ट मशीनों का प्रयोग, क्योंकि विशिष्ट मशीनों का प्रयोग कुटीर उद्योग में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस ए दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण, बी कम पूंजी, सी विकसित प्रौद्योगिकी, डी विशाल बाजार। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कम पूंजी, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए अत्यधिक पूंजी या बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए रसायन निर्माण, बी डेयरी उत्पाद निर्माण, सी धातु पिघलाने वाले उद्योग, डी भारी इंजीनियरिंग उद्योग। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी
डेयरी उत्पाद निर्माण, क्योंकि डेयरी उत्पाद निर्माण परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग में सम्मिलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के निकट लगाना आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस ए लौह इस्पात उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, डी सूती वस्त्र उद्योग। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, क्योंकि इन उद्योगों को कच्चे माल के निकट लगाना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम रेशों का निर्माण उद्योग किस श्रेणी का उद्योग है? ऑप्शंस ए कृषि आधारित, बी खनिज आधारित, सी जीव आधारित, डी रसायन आधारित। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रसायन आधारित, क्योंकि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही जो कृत्रिम रेशे हैं उनका निर्माण किया जाता है, और कृत्रिम रेशों का जो निर्माण है ये उद्योग जो है वो रसायन आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सूती वस्त्र, बी जूट, सी रबड़, डी कागज़। तो इन सभी चारों उद्योगों में से जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है वो है ऑप्शन डी कागज़, क्योंकि कागज़ कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इसका निर्माण जो है वो जंगलों से जो कच्चा माल प्राप्त किया जाता है उससे इसका निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा देश चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी बनकर उभरा है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान, डी जापान। तो इन चारों देशों में से जो देश चिकित्सा पर्यटन में एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है वो है भारत। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, निम्न में से नोड नहीं है? ऑप्शंस हैं ए दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, बी जालतंत्र, सी एक गंतव्य बिंदु, डी एक उद्गम बिंदु। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जालतंत्र, जालतंत्र नोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सेवा सेक्टर का अंग नहीं है? ऑप्शंस हैं ए चतुर्थ क्रियाकलाप, बी द्वितीय क्रियाकलाप, सी पंचम क्रियाकलाप, डी तृतीय क्रियाकलाप। तो जैसा कि हम जानते ही हैं तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप जो हैं वो सेवा सेक्टर के अंग हैं। तो इसमें से सेवा सेक्टर का अंग कौन सा नहीं है वो है ऑप्शन बी द्वितीय क्रियाकलाप। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए व्यावसायिक परामर्श, बी संचार, सी पोत निर्माण, डी परिवहन। तो इन सभी व्यवसायों में से जो तृतीय क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन सी पोत निर्माण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा व्यवसाय स्वर्ण कॉलर के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस हैं ए विश्वविद्यालय में शिक्षक, बी वित्त एवं विधि परामर्शदाता, सी अनुसंधान में लगे वैज्ञानिक, डी फुटकर विक्रेता। तो इन सभी में से जो व्यवसाय स्वर्ण कॉलर के अंतर्गत या गोल्ड कॉलर के अंतर्गत नहीं आता है वो है ऑप्शन डी
फुटकर विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से योजक है। ऑप्शंस हैं ए, मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा, बी जाल तंत्र, सी प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है, ऑप्शन डी दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है, जो योजक है, वो है ऑप्शन सी, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है उसे योजक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन है जिसमें परिवहन दूरी को नहीं मापा जाता है। ऑप्शंस हैं ए समय दूरी, बी किलोमीटर दूरी, सी लागत दूरी, डी मांग दूरी। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है मांग दूरी, क्योंकि मांग दूरी के अंतर्गत हम व्यवस्था में कमी व विकास के बीच में अंतर का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य क्रिया है। ऑप्शंस हैं ए आवधिक बाज़ार, बी व्यापारिक केंद्र, सी विपणन केंद्र, डी नगरीय बाज़ार। तो इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आवधिक बाज़ार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाज़ार नहीं होते, यहाँ पर स्थानीय आवधिक बाज़ार जो हैं वो लगाए जाते हैं।